आज लेटर पिटीशन हमने पाकिस्तान के ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तथा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और भारत के महामहिम राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को इशारे के साथ सीमा मीना और सचिन मीना की तरफ से भेजी है। अर्जेंटली ड्रॉ अटेंशन मांगी है उनकी, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज और इमीडिएट इंटरवेंशन इसमें बहुत जरूरी है। सलीम बर्नी सनफ सैयद मुख्तार वर्नी, जिनका ऑफिस का एड्रेस ये पूरा दिया गया है यहां, इसमें सारा है, और साथ में अंसार बर्नी ट्रस्ट, क्योंकि इन लोगों ने भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रयास किए बनाने के, लेकिन ये कुछ वहां ट्रस्ट हैं पाकिस्तान में जिनकी अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी FIR रजिस्टर की 26/24, जिसमें 25 बच्चों की तस्करी करते पकड़े गए और अरेस्ट भी हुए। तो इससे पाकिस्तान की बेइज्जती भारत में तो होती, अमेरिका में भी हो रही है, और कुछ ऐसे मानवाधिकार के नाम पर ट्रस्ट जो सरबजीत के मामले में भी 25 करोड़ रुपए मांगे और बाद में उसकी बहन दलबीर से 2 करोड़ रुपए उसकी लाश तक के मांगे गए, तो उनके साथ बाद में उनके ट्रस्ट के कुछ लोगों ने तथाकथित भारत के लोगों ने केस भी दलबीर कौर की बहन पे डाला, और जिसकी दलबीर कौर की भतीजी है वो पंजाब में है, वो सब इस बात के लिए हैं। तो इनके खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड अमेरिका की एजेंसी ने किए हैं, चीटिंग के किए हैं, 149, 147 और इंडियन पाकिस्तान पैनल कोर्ट के आधार पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी की बात की है, इसके लिए हमने वहां के महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी को और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व की संस्था है जो इन सब चीजों को देखती है, दो देशों को मामला है, तो UNO को और पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यहां के माध्यम से हम भिजवा रहे हैं ये सीमा सचिन मीना के, और इसमें सारी डिटेल दी है। सरबजीत वाला मामला, बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट वाला 25 करोड़ की उगाही, उनकी बहन से 25 बच्चों का मानव तस्करी के द्वारा अमेरिका में भेजा जाने की केस और डिटेल, इससे पाकिस्तान बदनाम हो रहा है भारत की नजरों में और अमेरिका में भी पाकिस्तान की बदनामी। हम नहीं चाहते, हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी बदले नहीं जाते कभी, पड़ोसी पड़ोसी ही रहते हैं, लेकिन इस आधार पर हमने एक्शन की, स्टर्न लीगल एक्शन पाकिस्तान की सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान की सरकार ऐसे ट्रस्ट, ऐसे मानवाधिकारों के नाम पर, और मानवाधिकारों की बात आप देख रहे हैं पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उनको रोका जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, बहन बेटियों की इज्जत बचाई जाए, वहां धर्म परिवर्तन कराया जाता है, हत्याएं होती है, पुराने से पुराने मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं को जमीनें मकान प्रॉपर्टी कब्जा की जाती है, इस पर भी हमने ध्यान वहां के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से मांगा है कि वो इस पर ध्यान दें और इन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई करें और हमें भी अवगत कराएं, यही हमारी इच्छा है, और इसीलिए हम आपके PC के माध्यम से सारी हमने जानकारी दी, कॉपी आपको दे दीजिए।